मंगलवार को जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के बाद पूरे राजस्थान में बवाल हो गया है। बुधवार को पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों की 11 मांगे प्रशासन ने मान ली। 72 घंटों के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी का लिखित आश्वासन दिया, तब जाकर गोगामेड़ी के परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का शव उनके गांव गोगामेड़ी लाया जा रहा है। आज शाम में उनका दाह संस्कार किया जाएगा। बता दें कि सुखदेव सिंह हत्याकांड की जांच के लिए मशहूर आईपीएस दिनेश एमएन की अगुवाई में एसआईटी गठित की गई है। इस बीच गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या जयपुर में उनके आवास पर दो हत्यारों ने कर दी थी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने ली है। नितिन फौजी नाम के हमलावर को भी पुलिस ढूंढ रही है। ये पूरा हत्याकांड सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इस तरह यह सिहरा देने वाला वीडियो सारे देश ने देखा। बता दें कि हत्यारे जिस गाड़ी में गोगामेड़ी के घर आए थे वो भी किराए की थी और उसमें लगे जीपीएस ने हत्या से ठीक पहले क्या हुआ ये भी बता दिया है। हत्यारों के साथ आए नवीन सिंह को सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पहचानते थे। शाहपुरा के रहने वाले कपड़ा व्यापारी नवीन सिंह ने मंगलवार को 2,000 रुपए देकर जयपुर के वैशाली नगर से एक किराए की स्कॉर्पियो ली थी। कार में सवार होने के बाद हत्यारे खातीपुरा मार्केट गए, जहां से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के स्वागत के लिए साफा खरीदा गया। जीपीएस ने बताया कि वैशाली नगर से रवाना होने के बाद स्कॉर्पियो 2 मिनट के लिए खातीपुरा मार्केट में रुकती है। इसके बाद सीधा श्याम नगर पहुंचती है सुखदेव गोगामेड़ी के आवास पर। क्योंकि नवीन सिंह को गोगामेड़ी पहचानते थे इसलिए उन्हें अंदर बुलाया गया। गोगामेड़ी के घर पर लगे सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि हत्यारे दोपहर 1:10 पर घर में दाखिल होते हैं। ठीक 11 मिनट बाद यानी 1:21 पर फायरिंग शुरू हो जाती है। बता दें कि हत्यारों के साथ आए नवीन सिंह के मोबाइल से पता चला है कि उसने लॉरेंस गैंग के गुर्गे रोहित गोदारा से गोगामेड़ी की बात कराई थी। इसी दौरान दोनों की बहस होती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। दोनों हमलावर अचानक सोफे से उठते हैं और सुखदेव गोगामेड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। नवीन सिंह उन्हें रोकने और फिर खुद भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावरों ने नवीन सिंह पर भी एक के बाद एक कई गोलियां दागी। इस हमले में सुखदेव गोगामेड़ी और नवीन सिंह की मौके पर ही मौत हो जाती है। गोलीबारी में अजीत सिंह और गोगामेड़ी के सुरक्षाकर्मी नरेंद्र को भी गोली लगती। इस हत्याकांड के सारे सबूत सामने हैं। हत्या से पहले की घटनाएं दर्ज हैं, हत्याकांड कैमरे में कैद है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब एसआईटी को तलाशना होगा। नवीन सिंह को हत्यारों ने गोली क्यों मारी? नवीन सिंह का लॉरेंस गैंग से क्या रिश्ता है? गोगामेड़ी हत्याकांड में वाकई लॉरेंस गैंग का हाथ है या ये भटकाने की साजिश है? इन बातों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। फिलहाल गोगामेड़ी गांव में भारी संख्या में लोग जुटे हैं सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को अंतिम विदाई देने के लिए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।